हालिया विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली जबरदस्त शिकस्त के बाद कांग्रेस ने जिम्मेदारी तय करते हुए बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसका आगाज मध्य प्रदेश से हुआ है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दायरे से बाहर निकलते हुए तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। जीतू पटवारी की गिनती प्रदेश कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह किसी के खेमे में नहीं है। वो पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद हैं और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। इसके साथ वो सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कांग्रेस पर बदलाव का दबाव बढ़ गया है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बदलाव के साथ जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। जीतू पटवारी ओबीसी परिवार से आते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले उमंग सिंगर बड़े आदिवासी नेता हैं और उपनेता हेमंत कटारे ब्राह्मण चेहरा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के जिस अंदाज में मध्य प्रदेश में बदलाव किया उससे साफ है कि पार्टी अब खेमेबाजी से बाहर निकलकर नए लोगों को मौका देना चाहती है। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को साफ संकेत देते हुए निर्णय लेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।